मैं हूं मेहरीन दानिश, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूं ब्रेड चॉकलेट पेस्ट्री। ये देखने में जितनी टेम्पटिंग है, खाने में उतनी ही डिलीशियस है। तो चले शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें ना ही हम एग यूज़ कर रहे हैं ना फ्लावर यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम सिर्फ ब्रेड और चॉकलेट यूज़ करेंगे। तो चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस रेसिपी का बेस्ट पार्ट ये है कि इसके लिए ना हमें ओवन चाहिए ना कुकर। टेस्ट भी बिल्कुल बेकरी वाला आएगा। सबसे पहले चलते हैं हम पेस्ट्री के इन्ग्रीडियंट्स की तरफ। तो ज़बरदस्त सी पेस्ट्री बनाने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर 4 ब्रेड स्लाइसेस, न्यूट्रेला स्प्रेड। आप ये देख लें, आप इसकी जगह कोई भी चॉकलेट स्प्रेड यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम लेंगे यहाँ पे चॉकलेट व्हिपिंग क्रीम। ये मैंने स्वीट वाली ली हुई है, इसलिए आपको एडिशनल शुगर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ यहाँ पे हमारे पास है शुगर सिरप। शुगर सिरप भी बनाना बहुत ही ईजी है। मैंने इसमें सिर्फ 6 स्पून वाटर लिया है और साथ 4 स्पून शुगर लेके इनको आपस में मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे हम अपना शुगर सिरप, ये देखें, ऐसे ब्रेड पे अच्छी तरह लगा लेंगे, ताकि एक तो इसमें मॉइस्चर बहुत अच्छा आ जाएगा और इसका जो टेस्ट है वो भी स्वीट हो जाएगा। अब आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। ब्रेड जो होती है वो थोड़ी ड्राई होती है और पेस्ट्री मॉइस्ट होती है। शुगर सिरप अच्छे से लगाने से हमारी ब्रेड स्वीट भी होगी और सॉफ्ट भी हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम न्यूट्रेला को अच्छे से अपने ब्रेड स्लाइस पे इवनली स्प्रेड कर देंगे। आप देख सकते हैं एकदम सिंपल और इजी है इसको बनाना। बोलने से ज़्यादा देखने का काम है, तो अब मैं बोलना कम करती हूँ और आप देखना स्टार्ट कर दें। और अब हम इसको टॉप अप करते हैं अपनी फ्रेश व्हिप्ड क्रीम के साथ। यहाँ पे भी आप देखें कि आपने बहुत एहतियात के साथ इसको लगाना है। यहाँ पे क्रीम जो है लगाने का बहुत इजी तरीका है। ऊपर तो आप क्रीम इजीली लगा लेंगे, लेकिन साइड पे आपने हमेशा याद रखना है, जो क्रीम है वो आपने नीचे से ऊपर की तरफ लगानी है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसको देखिए और समझिए। मैं यहाँ पे सिंपल चॉकलेट और ग्रेटर यूज़ कर रही हूँ, ये देखें। अगर आप इस पे चॉकलेट ड्रिजल नहीं करना चाहते तो ये भी आपकी अपनी ऑप्शन है। आप चाहें तो रेडीमेड जो चॉकलेट सिरप्स मिलते हैं, जैसे हर्शीज़ वगैरह के, आप इस पे वो भी स्प्रेड कर सकते हैं। आप इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स, चॉकलेट बॉल्स, स्प्रिंकल्स कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़रा ज़्यादा प्यारा लगा था। ये आप देखें करीब से कि कितना अच्छा लग रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है डेकोरेशन का। यहाँ पे मैंने लिया है एक पाइपिंग बैग। इसके आगे मैं लगाऊंगी स्टार शेप की नोजल, विच इज़ वेरी इजीली अवेलेबल इन द मार्केट्स। यहाँ पे मैं इसको क्रीम से दे रही हूँ फ्लावर शेप। बहुत रफली मैं इसको हैंडल कर रही हूँ, आप भी बिल्कुल इसको आराम से हैंडल करें, कोई मसला नहीं है। ये देखें जी,
इसके टॉप पे मैं यहाँ पे रखूँगी अपनी चॉकलेट्स। आप चाहें तो चेरी भी रख सकते हैं। और फिर दोबारा से यही बात कहूँगी कि जो आपको पसंद आए आप इसको उससे डेकोरेट करें। यहाँ पे हम हर्शीज़ का सिरप यूज़ करेंगे। सिंपल तरीका है, आपको जो पसंद आए आप वैसे ही डेकोरेट करें। असली मज़ा तो पेस्ट्री खाने में है। तो ये ले, मेरी ब्रेड से बनी हुई चॉकलेट पेस्ट्री तैयार है। इसका टेस्ट 95% बिल्कुल परफेक्ट रहता है और 5% की कमी ये रह जाती है कि कन्फ्यूजन में ये पेस्ट्री है या कुछ और। अब मैं आपको इसको कट करके दिखा रही हूँ। ये देखें, सुपर्ब लग रही है हमारी पेस्ट्री। बहुत ही सॉफ्ट बनी है क्योंकि काटते ही मुझे अंदाज़ा हो गया था। आप सब भी इसको ज़रूर ट्राई करें, टेस्ट करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।